हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे एक बजट फ्रेंडली वेट स्केल का। अगर आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो और अपने होम यूज़ के लिए एक बजट फ्रेंडली स्केल वेट स्केल परचेज करना चाहते हो तो मैं एक वेट स्केल को इसमें रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसका परफॉर्मेंस और ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हो कि नहीं। तो मैंने ये हाल में अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है जो आज ही डिलीवर हुआ है, तो इसका पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसके बाद मैं इसका आपको रिव्यू बताऊंगा कि ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पहले इसको हम क्रैक से निकाल लेते हैं बाहर। तो ये कुछ ऐसे बॉक्स में पैक हुए आया है। ये विनस कंपनी का है, मेड इन इंडिया ये बेस स्केल है जिसका फंक्शन हम देखते हैं। इसका प्रिंटेड प्राइस तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 2499, लेकिन ये मुझे मिला है सिर्फ 699 में फ्रॉम अमेज़ॉन। ये दो बैटरी से ऑपरेट होता है और इसका मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है 180 केजी का। तो आप आसानी से इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ये टोटली मेड इन इंडिया इनिशिएटिव का स्केल है, तो मतलब ये इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अच्छी बात है ये। तो इसको बॉक्स में से हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। तो पैकिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, ये थर्मोकॉल के एकदम फिक्स बार में ऐसे पैक किया हुआ है तो डैमेज होने के कोई और चांसेस है ही नहीं इसमें बिल्कुल। और इसके साथ इसमें आते हैं ये दो ट्रिपल ए साइज़ के सेल जिसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। थर्मोकॉल को हम हटा देते हैं तो आप देख सकते हो कि ये स्केल, इसके लिए एक ये यूज़र मैनुअल इसके साथ दिया गया है थैंक यू और नॉट के साथ, जिसमें कैसे बैटरी को प्लेस करना है, वे स्केल को कैसे एक्टिवेट करना है, ज़ीरो कैसे सेट करना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। ये सर्विस सेंटर के बारे में है और ये इसका वारंटी कार्ड है। इसमें 2 ईयर का वारंटी आता है और बैक साइड में कुछ ऐसा ये प्लास्टिक का पैनल है जिसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। टोटल इसमें आई गेस 2 और 4 सेंसर्स होते हैं और ये इसके रबर ग्रिप्स है जिससे ये स्लिप नहीं होता है। ये टफन ग्लास मटेरियल है, प्लास्टिक नहीं है ये बिल्कुल ही। तो लुक काफ़ी प्रीमियम है इसका। अब इसमें मैं सेल यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको वहाँ पे सेल इंसर्ट करना है, तो पहले हम इसमें सेल इंसर्ट कर लेते हैं। तो सेल को हम कट करके निकाल लेंगे पहले और वे स्केल में इंसर्ट करेंगे। तो हमने इसमें अभी इंसर्ट कर लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग आना स्टार्ट हो गया है 00। और दोस्तों इसमें और एक फंक्शन है टेम्परेचर मेजरमेंट का, तो इसमें आप अपना वेट के साथ साथ टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हो। और यहाँ पे एक बैटरी इंडिकेटर भी दिया गया है जो कि ये इसमें ऑटोमेटिक सेंसर है कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाता है, जैसे आप स्टेप अप करते हो तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ये बैटरी सेविंग के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है और प्लस इसमें बैटरी इंडिकेटर भी है और टेम्परेचर सेंसिंग भी है। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि इसका एक्यूरेसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसका ओवरऑल लुक, ये इतना स्लिम है, एकदम स्लिम बॉडी है इसका और टफन ग्लास के साथ काफ़ी प्रीमियम लुक है ये। अभी इसमें बैटरी इंसर्टेड है लेकिन अभी ऑफ दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर स्टेप अप करेंगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेटर, तो ऐसे कुछ इसका इंडिकेशन है, बैटरी और टेम्परेचर और ओवरऑल वेट। तो ये था इसके बारे में ब्रीफ। मैं इसको रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। थैंक यू।